राजकुमार संतोषी के बारे में डॉक्टर हेलो नमस्ते जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 18 से, रंजीश बात कर रहा हूँ। थैंक यू, बताइए। सबसे पहले तो आपका परिचय, किसी परिचय से आप मोहताज नहीं है, मुजुमदार के पुत्र हैं आप और कई सदियों के लोग, कई दशक के लोग उनको याद रखेंगे, मुजुमदार ऐसे शख्सियत है। आप ये मुझे बताइए, बिहार आए हैं और बिहार में जिस तरह से लगातार तालियों की गड़गड़ाहट शुरू है और ये जोश, ये आपके पिता का किरदार जो है उसका कमाल है, आपकी तो पहली मूवी है, क्या लग रहा है? पिता की जो लकीर है उस लकीर को आप कहां तक छू पाएंगे? जो किरदार है आपका, उस किरदार और आपकी जो अभिनय अभी हमने देखा है आपके अभिनय में, उसमें आपकी एक्टिंग डांस से लाजवाब लगा है। ये बताइए कि मुमताज के लकीर को आप कहां तक छू पाएंगे? मैं ये मानता हूँ सर कि उनकी लकीर जो थी वो एक ऐसे लड़के की लकीर थी जिसके पास ठीक से रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, मुंबई के फुटपाथ पे सोए हैं और आज 40 साल बाद भी उसी आदमी के नाम पे पूरा थिएटर तालियां बजा रहा है। रही बात लकीर की, उनकी जैसे लकीर अरबों में एक को मिलती है, मैं तो लाखों में एक की बसिया तो बहुत बड़ी बात होगी। दो सवाल आपके होते हैं, ये बताइए, बड़े अभिनेता होते हैं जिनके पुत्र बॉलीवुड में कदम रखते हैं, क्योंकि नेता का बेटा नेता बनता है, हीरो का बेटा हीरो बनता है जी, नेचुरल है, वो विरासत में आपको मिला है, सौभाग्य है। लेकिन ऐसे जो किरदार होते हैं, ऐसे शख्सियत जो होते हैं, वो पिता तक नहीं पहुंच पाता है, कुछ वर्षों बाद दर्शकों का प्यार खत्म हो जाता है, इसके पीछे नाम तो कई है, आप देख सकते हैं सुपरस्टार बहुत कम पे कुछ नहीं चल पाए। तो ये बताइए नवासी जी कि आप दर्शकों को क्या भरोसा देंगे कि मिथुनता का पुत्र भविष्य का मिथुनता होगा? मुझे लगता है तहे दिल से लोगों को यही कहूंगा कि 28 अप्रैल को आप लोग डिसाइड करके बताइए कि मैं कितना लिख सकता हूँ।
Question.